तो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे, आपको इधर गूगल ट्रांसलेट को सर्च कर लेना है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ये एप्लीकेशन का, तो इसको चलो ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही गाइज ओपन करेंगे तो आपको इधर थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन। हाँ तो फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है इसका बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। अभी तो ओडिया लैंग्वेज भी अवेलेबल आ गया है। तो इसका जो इधर देखिए, जैसे क्लिक करेंगे इधर, आपको मैं हिंदी कर देता हूँ, हिंदी टू कन्वर्ट करता हूँ उड़िया। देखिए तुम क्या कर रहे हो, अभी मैं राइटिंग करता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने क्लिक कर दिया कन्वर्ट पर, ये उड़िया लैंग्वेज क्या है मैं हमको बता दिया। ठीक है, तो इधर देखिए, अगर मैं इसको इंग्लिश में भी देखना चाहता हूँ तो इंग्लिश में भी व्हाट आर यू लिख दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आपका जो जीमेल अकाउंट, इसको ऐड होना पड़ता है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट ऐड नहीं है तो इधर आपको ऐड अकाउंट पर क्लिक करके जीमेल अकाउंट में लॉग इन कर देना है। ठीक है, तो इधर देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर सर्च किया तुम क्या हो, तो इसका इंग्लिश मीनिंग व्हाट आर यू। तो जैसे भी आपको कोई भी लैंग्वेज चाहिए तो कन्वर्ट करना है, तो उसको इस पर क्लिक करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो आपको इसी तरह जो भी आपका लैंग्वेज है, जो मतलब हिंदी अगर आपके लैंग्वेज है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, कैसे आप गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से अपनी जो भी लैंग्वेज है, जैसे कि अभी ओडिया लैंग्वेज अवेलेबल नहीं था, अभी ओडिया लैंग्वेज अवेलेबल हो गया। तो इसमें बहुत सारे लैंग्वेज अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। इसी तरह लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।